Hey guys, welcome back to my channel. My name is Monica Nagar. कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रहे हैं आप लोगों? क्वारंटीन, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये हमारे और हमारे देश के लिए. आई होप आप सभी बहुत अच्छे से पालन कर रहे होंगे. मैं थोड़ा सा बोर हो गई थी घर पे, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना ली जाए और जो आप सभी के काम आए. आप सभी को पता है रिसेंटली अभी कितना बनारसी साड़ियों का, सिल्क, कांजीवरम और ट्रेडिशनल साड़ियों का बहुत ज़्यादा फैशन आया है, जो कि अभी भी है. तो आई नो आप सभी के पास एक ना एक साड़ी तो ज़रूर होगी. आपके पास नहीं तो आपकी मम्मा के पास, भाभी के पास, दीदी के पास, किसी न किसी के पास ज़रूर होगी. तो बस मेरी आज की वीडियो है कि कैसे आप अपनी ट्रेडिशनल साड़ी, जो कि सिल्क, कांजीवरम या बनारसी साड़ियों को डिफरेंट वे से स्टाइल कर सकते हैं, डिफरेंट वे से ड्रेप कर सकते हैं, ताकि आप उसका मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूज़ कर सकें, बहुत सारे ओकेशंस पे डाल सकें और अच्छे से स्टाइल कर सकें. और स्टिक रहिए मेरी एंड तक इस वीडियो में, क्योंकि मैं शेयर करने वाली हूँ इजी ट्रिक्स और टिप्स जो कि आपको हेल्प करेगी आपकी डिफ़िकल्ट वाली कांजीवरम और सिल्क साड़ियों को ईजिली ड्रेप करने में. आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगे और यूज़फुल रहे. सो लेट्स स्टार्ट. Now I'm ready. See, I'm wearing this necklace and this bracelet. और मैंने first look में अपनी बनारसी साड़ी को खुले पल्ले से लिया है, which is called उल्टा पल्ला, क्योंकि मैंने अपने left shoulder पे लिया हुआ है इसको. The second look is Bengali. मैंने second look में Bengali style से अपनी साड़ी को drape करा है. This is one of my favorite style. मुझे बंगाली स्टाइल की साड़ीज बहुत अच्छी लगती हैं. And this is also look very beautiful. In third look, मैंने अपनी बनारसी साड़ी को एक कुर्ती के साथ पेयर किया है. This is white color कुर्ती और इसको मैंने कंप्लीट किया है लुक को विद वाइट एंड सिल्वर बेल्ट. This is also looking very nice. अपने नेक्स्ट लुक में मैंने अपनी रेड कलर के बनारसी दुपट्टे को यूज़ किया है, गिविंग द इल्यूजन ऑफ डबल दुपट्टा और से डबल साड़ी स्टाइल. मैंने स्टाइल करी है अपनी बनारसी साड़ी विद अ जैकेट. दिस इज़ अ डेनिम जैकेट. ये परफेक्ट है आपकी विंटर वेडिंग के लिए. और मैंने इसके ऊपर सेम बेल्ट को यूज़ करा है, हाई पोनी करी है और लूप गोल्डन कलर के इयर रिंग्स डाले हैं. This is looking very classic. Next look में मैंने एक ethnic jacket को अपनी बनारसी साड़ी के साथ style किया है और उसके ऊपर एक golden color का choker डाला है. मैंने minimum accessorizing करी है. आप अपनी choice से कर सकते हैं, hair style भी अपनी choice से बना सकते हैं. इस next look में मैंने एक wrap around shirt को style करा है अपनी बनारसी साड़ी के साथ. This is a satin pink shirt. और हाई पोनी करा है अपने हेयर को. यूजुअली कॉलर्स के साथ हाई पोनी ज़्यादा प्रेफर करती हूँ. एंड दिस इज आल्सो लुकिंग वेरी नाइस एंड एलिगेंट. नेक्स्ट मैंने स्टाइल करा है विथ पैंट एंड टॉप. दिस इज वाइट कलर पैंट एंड टॉप. और लुक को कंप्लीट करते हुए मैंने गोल्डन कलर की बेल्ट डाली है. दिस इज वेरी क्लासिक लुक. नेक्स्ट मैंने स्टाइल करा है एक राउंड नेक हैवी ब्लाउज को अपनी बनारसी साड़ी के साथ. इसके अंदर मैंने सीधे पल्लू की साड़ी डालते हुए, लॉन्ग पल्लू लेते हुए पैक में टक किया हुआ है. नेक्स्ट इज आई स्टाइल्ड माय बनारसी साड़ी विद बनारसी लहंगा. एंड आई बिलीव के पिंक और ग्रीन कलर बहुत अच्छे से एक साथ जाते हैं. जब मैंने फर्स्ट टाइम ये साड़ी डाली थी करवा चौथ पे, मैंने ग्रीन कलर की बिंदी और बैंगल्स डाली थी, विच वॉज लुकिंग वेरी क्लासिक. और ये भी बहुत क्लासिक लग रहा है कॉम्बिनेशन. डिड यू नोटिस माई हेयर? इट्स लुकिंग ब्यूटिफुल. तो कैसी लगी आपको ये स्टाइलिंग? आपका फेवरेट लुक कौन सा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. अब मैं आपको एक ड्रेपिंग टेक्निक शेयर करने वाली हूँ, जो कि डिफ़िकल्ट साड़ीज़ को, जैसे ऑर्गेन्जा, सिल्क, कॉटन की साड़ीज़ होती है, बनारसी साड़ी होती है, जिन्हें ड्रेप करना इतना आसान नहीं होता, जिनकी प्लेट्स थोड़ी फूली हुई रहती है, जो साड़ीज़ थोड़ी फूली हुई लगती है ड्रेप करने के बाद, उन्हें कैसे आप इजीली ड्रेप कर सकते हैं. पहले मैं स्टार्ट करती हूँ पल्लू से.
आपके पल्लू पे दो बॉर्डर होते हैं, एक शोल्डर पे आता है, एक नीचे की साइड होता है। तो पहले अपने पल्लू को एक आयरन बोर्ड पे रख दीजिए। जो आपका फर्स्ट बॉर्डर होता है जो शोल्डर की साइड आता है, उस साइड से आप चाइनीज फैन बनाना स्टार्ट कीजिए। रिमेंबर द वे वी यूज टू मेक, उस चाइनीज फैन को बनाते हुए आपको सेकेंड बॉर्डर तक लेके जाना है। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वो जो दोनों बॉर्डर्स हैं वो सेम डायरेक्शन में फेस करते हो, दोनों ऊपर की साइड हो। और उसके बाद उसको अच्छे से आयरन करना है और पिनअप कर देना है। क्यों ये चाइनीज़ फैन वाली टेक्निक? क्योंकि इससे हमारी सारी की सारी प्लेट्स पहले रहती है, इक्वल साइज़ की रहती है, अच्छे से फिनिशिंग आती है, कोई भी ऐसा फैब्रिक नहीं लगता कि थोड़ा सा निकला हुआ है, अजीब लग रहा है, बहुत अच्छे से फिनिशिंग आती है। ज़रूर ट्राई करना इस टेक्निक को। और सेकेंड है अपनी प्लीट्स को कैसे करना है। तो उसको पहले रफली प्लीट्स करो, आयरन बोर्ड पे रखो, अच्छे से फिनिशिंग दो, सबको पैरेलल रखो, एक के ऊपर एक रखते हुए प्रेस करो, पिनअप करो, और आपकी ड्रेप करने के लिए साड़ी रेडी है। उसको ड्रेप कीजिए। अगर ड्रेप करने के बाद भी लगता है देयर आर सम एरिया स्टिल जो कि टचअप के लिए अभी रहते हैं, तो आप ड्रेप करने के बाद अपनी हेयर स्ट्रेटनिंग मशीन को यूज़ कर सकते हैं वो फिनिशिंग देने के लिए, जो एरिया अभी भी थोड़ा सा अजीब लग रहा है उसको थोड़ा सेटल करने के लिए। लेकिन ध्यान रखना कि आपकी साड़ी किस टाइप की है, ज़्यादा हॉट मत करिएगा, ज़्यादा हॉट मत होने दीजिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर पतला कपड़ा है तो कम हॉट रखिए, मोटा है तो ज़्यादा हॉट पे चलेगी। और उसको हॉट करने के बाद उस एरिया पे यूज़ कीजिए जहाँ पे आपको फिनिशिंग की ज़रूरत है। आई होप ये टेक्निक आपके लिए यूज़फुल हो, ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कितनी सक्सेसफुल रही ये चीज़। और अब अगर आपको फिर भी थोड़ी सी चीज़ें नहीं क्लियर हुई है, तो मैंने छोटी छोटी वीडियोस बनाई है जिससे आपको ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो प्लीज़ डू वॉच, फिर वापस मिलते हैं। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो सच में ही अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसी बहुत सारी वीडियोस लेके आती रहूँगी जो आपके लिए यूज़फुल रहे, इन्फॉर्मेटिव रहे। और प्लीज़ कीप मोटिवेटिंग मी, कीप सपोर्टिंग मी द वे यू ऑलवेज डिड। और जल्द ही दोबारा मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।